हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप गाइस। आई होप यू गाइस वुड बी ओके एंड एंजॉयिंग माइट बी एंजॉयिंग अ लॉकडाउन पीरियड। वी आर गेटिंग बॉग डाउन बाय डेली एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन, लगातार बढ़ता जा रहा है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। सो रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम, वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एनहेंसिंग आवर नॉलेज। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बिना समय बर्बाद करते हुए, लेट्स कम बैक ऑन टू टॉपिक स्ट्रेट अवे। सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। इन लास्ट क्लास आई जस्ट हैड अ काइंड ऑफ ओवरव्यू ऑफ नाउन, और मैंने आपको नाउन के बारे में थोड़े बहुत बातें बताई। एंड इफ यू कैन रिमेम्बर, मैंने कल बोला था आपसे कि फॉर एयरफोर्स नेवी एग्जामिनेशन नाउन से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं दे आर रिलेटेड टू समहाउ जेंडर एंड नंबर। वो जेंडर और नंबर के क्वेश्चन ही होते हैं। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट जेंडर टूडे। आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एज यू ऑल नो दैट द हिंदी ऑफ जेंडर इज लिंग। और वाई एम आई टीचिंग यू जेंडर इन नाउन, बिकॉज नाउन ही किसी ना किसी जेंडर में आएगा या प्रोनाउन आएगा, दोनों ही जेंडर में आते हैं। और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नाउन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाई जेंडर, मतलब जेंडर के आधार पर भी नाउन को वर्गीकृत किया जा सकता है, नाउन को विभाजित किया जा सकता है। तो जेंडर कितने होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा कि जेंडर चार होते हैं, जिसमें से पहले वाले को कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर। हिंदी में इसे कहते हैं हम पुलिंग। आपको अच्छे से शायद पता होगा कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जो शब्द पुरुषों के लिए प्रयुक्त हो, उसे ही हम पुलिंग या मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। वो चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, अगर वो पुरुष है नर है तो उसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर यूज कर सकते हैं। ओनली मेल इज कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन जेंडर। इफ वी आर गोइंग बाई एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो बॉय, फादर, लायन, डॉग, ईटीसी, दे आर ऑल मैस्कुलिन जेंडर। क्योंकि बॉय का मतलब होता है लड़का, वो कोई पुरुष ही बनेगा। फादर मतलब पिताजी, वो कोई पुरुष ही बनेगा। लायन यानी शेर, पशुओं में नर हो गया। डॉग यानी कुत्ता, पशुओं में नर हो गया। तो दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग मैस्कुलिन, दैट्स वाई दे ऑल आर मैस्कुलिन जेंडर। ये सब मेल के लिए आ रहे हैं, इसीलिए ये मैस्कुलिन जेंडर है। द सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर। सेकेंड हमारा होता है फेमिनिन जेंडर, इन हिंदी इट इज कॉल्ड स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, मादा का बोध हो। द वर्ड दैट इज फीमेल, ओनली फीमेल इज फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल गर्ल मतलब लड़की, ऑब्वियस है कोई महिला बनेगी। मदर माँ, कोई महिला ही बनेगी। लायनेस शेरनी, बिच कुतिया, दीज वर्ड्स सिंबलाइजेस फेमिनिटी, दैट्स वाई दे ऑल आर फेमिनिन जेंडर। चूंकि ये सब फेमिनिज्म को दिखलाते हैं, इसीलिए ये सब फेमिनिन जेंडर हैं, यानी स्त्रीलिंग हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। तीसरा जो होता है वो है उभय लिंग, यानी कॉमन जेंडर। वैसे शब्द जिनसे नर एवं मादा, स्त्री एवं पुरुष दोनों होने का बोध हो, इक्वली मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, उन्हें ही हम कॉमन जेंडर कहते हैं। आइदर मेल और फीमेल, बट नॉट क्लियर बाय इट्स नेम, इज कंसिडर्ड एज कॉमन जेंडर। गोइंग बाय फ्यू एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग टीचर, शिक्षक, ये कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। पेरेंट्स, पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों आते हैं। चाइल्ड बच्चा, अब बच्चा बोलने से, चिल्ड्रन बोलने से, बच्चों को बोलने से ये नहीं पता चलता कि उसमें लड़कियां हैं कि लड़के हैं। स्पाउस मतलब होता है दंपत्ति, पति भी को भी आप स्पाउस कह सकते हैं, पत्नी अपने पति को स्पाउस कह सकती है, पति अपने पत्नी को स्पाउस कह सकता है, या कोई भी पोस्ट का नाम, कोई भी जो पोस्ट होता है ना वो कॉमन जेंडर होता है। गोइंग बाई एग्जाम्पल, मैं बिहार का हूँ, हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, द चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर नीतीश कुमार। हमारे पड़ोस में ना, नेबरिंग स्टेट, देयर इज अ स्टेट कॉल्ड वेस्ट बंगाल, वहां की जो चीफ मिनिस्टर है शी इज
श्रीमती ममता बैनर्जी, मिसेस ममता बैनर्जी। तो ममता बैनर्जी जो है वो लेडी है, तो उन्हें हम चीफ मिनिस्टरेस नहीं बोलते, उन्हें हम मुख्यमंत्री नहीं बोलते, उन्हें भी मुख्यमंत्री ही कहते हैं। कोई भी पोस्ट का नाम आपने देखा है, टीचर मैंने लिखा है, इसमें भी मेल फीमेल हो सकते हैं, लेकिन टीचर एंड डॉक्टर भी हैं। तो नॉर्मली कोई भी जो पोस्ट का नाम होता है वो होता हमारा कॉमन जेंडर। फोर्थ एंड लास्ट इन जेंडर इज न्यूटर जेंडर। जो आखिरी जेंडर है वो हमारा न्यूटर जेंडर है, जिसे आम भाषा में नपुंसक लिंग भी कहते हैं। नॉर्मली आप इसे ऐसे समझे कि निर्जीव, एक देख रहे हैं आपकी पुरुषों के लिए है, एक स्त्रियों के लिए है, एक स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए है। तो स्त्री पुरुष नर मादा हम किसमें कर सकते हैं, जिसमें जान हो, जो लिविंग हो। लेकिन अगर आपसे कोई पंखे का जेंडर पूछे, कोई कुर्सी का जेंडर पूछे, कोई इस कलम का जेंडर पूछे, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए जो ऑप्शन है हमारा चौथा ऑप्शन है, जिसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, जैसे पेन, चेयर, कॉपी, फैन, टेबल, ETC। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, और इफ आई टॉक अबाउट योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें, तो इन दो जेंडर से आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों से आते हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो या तो बनता है आपका मैस्कुलिन से फेमिनिन करने का, या फेमिनिन से मैस्कुलिन करने का। बस यही दो बनता है आपको, फेमिनिन से मैस्कुलिन, मैस्कुलिन से फेमिनिन, दैट्स इट। ये दोनों सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताए गए। तो अब हम बात करेंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाए जाते हैं। बेसिकली इनके तीन तरीके हैं, वो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। यस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाते हैं। सबसे ज्यादा यही चीज होता है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जाता है। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का मेनली जो है वो तीन तरह का होता है, ध्यान से समझेंगे। एक होता है बाय चेंजिंग वर्ड्स, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड यूज कर लेंगे, बिल्कुल नया वर्ड यूज करेंगे। मैस्कुलिन कुछ रहता है तो उसका बिल्कुल नया वर्ड जो होगा वो फेमिनिन बनेगा। एग्जांपल ले लें, अगर हम कह रहे हैं बुल, तो इसका मतलब होता है बैल, तो इसका फेमिनिन जेंडर काऊ होता है। बिल्कुल दो अलग अलग शब्द हो गए, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके, बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। थोड़ा सा समझ लें, अगर मैं कह रहा हूं कंप्लीट, तो ये एक नॉर्मल वर्ड हुआ, और इसके पहले अगर मैं इन लगा दूं, तो इन का अपना अर्थ तो है, बहुत सारी जगहों पर इन का अपना अर्थ, मतलब ऐसे प्रीफिक्स का मतलब हुआ उपसर्ग, जिसका अपना कोई अर्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे छोटे शब्द जिनका कोई अपना अर्थ हो भी और ना भी, लेकिन मुख्य शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दें, उन्हें ही हम प्रीफिक्स यानी उपसर्ग कहते हैं। तो अब देखिए, कंप्लीट के पहले अगर हमने इन लगा दिया तो ये बन गया इनकम्प्लीट, मतलब हो जाएगा अधूरा, कंप्लीट मतलब पूरा, पॉसिबल मतलब हो गया संभव, लेकिन अगर हम इसके आगे इम लगा दें तो इम का अपना कोई अर्थ नहीं हुआ, तो इम्पॉसिबल मतलब हो गया असंभव। तो ये जो इम है या इन है, यही कहलाया हमारा प्रीफिक्स। सफिक्स की बात कर लें थोड़ी सी, नेशन हमारा जो है ये एक नाउन है जिसका मतलब हुआ राष्ट्र, इसमें हम एक अल लगा देते हैं तो ये हो गया हमारा नेशनल, राष्ट्रीय। तो ये अल लगते ही वो एडजेक्टिव भी बन गया, और आपको इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि नाउन से एडजेक्टिव बनाइए, नाउन से वर्ब बना डालिए, ये सब भी आते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें भी समझनी चाहिए, प्रीफिक्स और सफिक्स वाली चीजें। तो ये हो गया हमारा सफिक्स। ये देखिए काम मतलब होता है शांत, अब हमें शांति बनानी है तो इसमें एन के एन ई डबल एस जोड़ दिए, तो ये बन गया हमारा कामनेस यानी शांति। तो ये जो हो गया, ये दो लास्ट हमारे वाले सफिक्स हो गए और ये दो हमारे वाले प्रीफिक्स हो गए। तो ऐसा करके भी हम लोग जेंडर्स बनाते हैं और जेंडर को चेंज करते हैं, ये दूसरा तरीका है। एक एग्जांपल कोई देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा हो गया फादर के पहले एक वर्ड लगा दिया ग्रैंड, तो हो गया ग्रैंडफादर, ये मतलब हो गया हमारा दादाजी, और ग्रैंड मदर ये मतलब हो गया हमारा दादी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग्रैंड ग्रैंड लगा करके मैंने जो है ये नई चीजें बना दी हैं, और ये आप कर सकते हैं इसी तरह ही ऐश सी ऐश। देखिए हमने एक प्रीफिक्स लगा दिया ही,
और ऐश कर दिया तो ही ऐश मतलब होता है गधा, शी ऐश मतलब गधी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इस तरह से आपका दूसरा वाला बनता है। उसके बाद आपको एक तरीका होता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ई डबल एस जोड़ करके हम लोग बनाते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बाय एडिंग ई डबल एस, है ना। ये भी कर सकते हैं हम लोग, इसका भी एक एग्जांपल देख लें। मैंने कहा पैटर्न, तो पैटर्न का मतलब होता है संरक्षक, इसके अंत में हम लोग ई डबल एस लगा दें तो ये बन गया हमारा पैट्रनेस यानी संरक्षिका। तो ई डबल एस जोड़ करके भी बनाते हैं प्रीफिक्स ई डबल एस को, हालांकि सफिक्स भी आप समझ लें अपनी भाषा में, सफिक्स ही है ये, लास्ट में जोड़ रहे हैं इसलिए। तो एक प्रीफिक्स वाला हो गया, एक ई डबल एस वाला हो गया, या यूं कहें कि इसे डिफरेंट वर्ड कह लें बेटर होगा, इसे हम प्रीफिक्स सफिक्स ना कह करके इसे हम लोग डिफरेंट वर्ड कह लेने, लेकिन चेंजिंग डिफरेंट वर्ड तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है इसीलिए इसको इसमें भी रहने दे सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है, और कई मैस्कुलिन से फेमिनिन आपको याद भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बड़ी आसानी से इसको याद कर रखा होगा। उसी चीज को एक बार रिपीट कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, आप देखें और उसको देखने के बाद समझने की कोशिश करें कि ये क्या है क्या नहीं है। हम लोग अभी कुछ ऐसे शब्द को देखने जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आते हैं, यानी डिफरेंट वर्ड वाले हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन देख रहे हैं, डिफरेंट वर्ड्स मैस्कुलिन टू फेमिनिन। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया बैचलर, BACHELOR, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, वो आदमी जिसकी शादी नहीं हुई, तो इसका आप क्या बना सकते हैं फेमिनिन जेंडर? तो इसका दो फेमिनिन जेंडर होगा, ध्यान देना है आपको, एक हो गया आपको मेड कुंवारी, और एक और हो सकता है स्पिनस्टर, इसका भी मतलब कुंवारी होता है, लेकिन कैसा कुंवारी, जो अधेड़ है, मतलब काफी उम्र हो गई है जिस लड़की की, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसे हम कहते हैं स्पिनस्टर। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा बोआ, बोआ मतलब होता है जंगली सुअर, जंगली सुअर को हम बोआ कहते हैं, तो इसका हो गया सॉ, बक, नर हिरन को कहते हैं, इसका हो गया डो, हिरनी, और भी बहुत सारे वर्ड्स ले सकते हैं, गैंडर, हंस, गूज, हंसनी। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं, दो चार और मैं आपको दे दूं, जैसे कि मान लीजिए ड्रोन, ये आजकल आपने बड़ा सुन रखा होगा, ड्रोन, ड्रोन कैमरा, ड्रोन ये, ड्रोन वो, तो ये ड्रोन क्या होता है? ड्रोन का मतलब होता है नर मक्खी, मधुमक्खियों में जो नर होता है उसे ड्रोन कहते हैं। और बी तो आप सारे जानते ही होंगे कि बी का मतलब जैसे हनी बी, मधुमक्खी, उसी का नर हो गया हमारा ड्रोन, ठीक है। कोल्ट का मतलब होता है बछड़ा, इसका हो गया फीली, है ना, फीली का मतलब बछड़ी। अब आप कहेंगे कि हीफर मतलब भी बछिया होता है, बिल्कुल होता है हीफर भी, तो फिर उसके लिए हम लोग कोल्ट वर्ड नहीं यूज करेंगे, ऐसे आप कोल्ट के लिए फीली सबसे बेटर वर्ड है। एक आध दो और वर्ड देख लें, जैसे कि विजर्ड, विजर्ड का मतलब होता है हमारा जादूगर, तो इसके लिए आप विच यूज करें, मतलब जादूगरनी, या सेंस आप देख सकते हैं। स्टैग मतलब होता है बारहसिंगा, स्टैग के लिए दूसरा जो, सॉरी, इसका जो फेमिनिन जेंडर यूज कर सकते हैं वो है हाइंड, है ना, हाइंड का मतलब बारहसिंगी कह सकते हैं। स्वैन है, स्वैन का मतलब होता है नौजवान, युवक, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फेमिनिन जेंडर नीम्फ यानी युवती। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका फेमिनिन जेंडर बिल्कुल डिफरेंट वर्ड होता है। और मैं आपको कुछ देखूं कि अगर कोई बहुत डिफिकल्ट होगा तो मैं बताऊं, नॉर्मल तो आप जानते ही होंगे। यस, एक बड़ा अच्छा वर्ड में मुझे मिला, ये है हार्ट, HART, हार्ट मतलब भी हिरण होता है, आपने डियर सुन रखा होगा लेकिन हार्ट मतलब भी हिरण होता है, और हार्ट के लिए जो फेमिनिन जेंडर है वो है रो, ROE, रो, तो हार्ट का रो हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स करते हैं, और डिफरेंट वर्ड्स करके आप उसका बना सकते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन। तो अब एक बात कर लें, जब ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया डिफरेंट वर्ड्स वाला, तो आप मुझे बताएं कमेंट में कि क्या आप जानते हैं कि मठ में रहने वालों को क्या कहते हैं?
या साधु का अंग्रेजी क्या होता है? तो साधु की भी कई इंग्लिश होती है, जैसे कि हर्मिट, सेंट कह सकते हैं, एबट कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली साधु के लिए जो अंग्रेजी यूज करना चाहिए वो है फ्रायर, FRIAR, या मंक। मंक भी आम भाषा में लोग कहते हैं, इसे मंक कहते हैं। तो इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है नन, NUN, नन। आप लोगों ने सुना होगा मदर वगैरह को कि ये नन बन गई है, लोग कहते हैं, तो वही नन का मतलब होता है हमारा साध्वी कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुछ वर्ड्स हैं जिसके बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स होते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन करने के लिए। ये पहला तरीका था हमारा। अब दूसरे तरीके पर आते हैं और देखते हैं कि सफिक्स में चेंज करके कैसे कैसे, चेंजिंग सफिक्स, सफिक्स में चेंज करके या एडिंग सफिक्स, सफिक्स जोड़ करके किस तरह हम लोग जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन करेंगे। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल दिया था ग्रैंड मदर, ये अभी तो मैस्कुलिन से फेमिनिन कर रहे हैं, तो ग्रैंड फादर, तो ऑब्वियस है कि इसका फादर सफिक्स है, इसमें चेंज कर दीजिए और लगा दीजिए ग्रैंड मदर। ये हो गया हमारा सफिक्स चेंज करने वाला। बहुत सारे हैं, जैसे वॉशरमैन, वॉशरवुमन, धोबी को हम कहते हैं वॉशरमैन, तो इसका हो गया वॉशरवुमन। लैंडलॉर्ड, भूस्वामी, मकान मालिक को कहते हैं लैंडलॉर्ड। लैंड लेडी, इसका हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर लैंड लेडी। पिकॉक, ये तो आप जानते होंगे, मोर को कहते हैं, यहां कॉक है हमारा सफिक्स, इसको कर दीजिए पी हेन, मोरनी। बीच में आप चाहें तो इन सबों के छोटे छोटे हाइफन्स भी लगा सकते हैं, हाइफन का मतलब ये माइनस का साइन को हम हाइफन कहते हैं, इसे ही हम HYPHEN हाइफन कहते हैं, तो आप चाहें तो इनमें हाइफन भी लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सफिक्स में भी हम लोग चेंज कर करके कई तरह के मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना आपको इस तरह की आइडियाज आएंगी, और आप धीरे धीरे इस तरह के कई सारे वर्ड्स जब आपको मिलने लगेंगे, आप डिक्शनरी वगैरह यूज करने लगेंगे, तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं प्रीफिक्स वाले को लेकर के, बाय एडिंग और चेंजिंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में चेंज करके या ऐड करके हम किस तरह से मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, अब वो देखेंगे। जैसे मैंने कहा ही ऐश, तो इसका मतलब होता है गधा, इसके लिए कर दिया शी ऐश, गधी। मेल चाइल्ड, बच्चा के लिए अंग्रेजी होता है फीमेल चाइल्ड, बच्ची। बुल एलिफेंट का मतलब होता है नर हाथी, काउ एलिफेंट का मतलब हो गया मादा हाथी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। जैकएस, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है हमारा जैकएस, आप लोग अगर इंग्लिश मूवीज वगैरह देखते होंगे तो उसमें ये कहता रहता है जैकएस, मूर्ख को जैकएस कहते हैं, तो इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है जेनी एस। जेनी एस का मतलब हो गया मूर्खी। गौरैया चिड़िया के बारे में जानते होंगे, तो गौरैया चिड़िया में जो मेल होता है उसे हम कॉक स्पैरो कहते हैं, और जो फीमेल होगी उसे हम हेन स्पैरो कहेंगे। तो इस तरह से आप जितना बुक्स वगैरह देखेंगे आपको आइडिया मिलेंगे कि प्रीफिक्स में भी ऐड करके कई तरह के फेमिनिन जेंडर्स बनाए जाते हैं। नथिंग न्यू इन दैट, कोई नई बात हम आपको इसमें नहीं बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं और कुछ और नियमों को देख लें।
अब हम लोग थर्ड वाले पर आते हैं कि ई डबल एस वाला जो रूल है उसको देखें कि ई डबल एस जोड़ करके किस तरह से हम किसी मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाते हैं, अब उस पे भी बात करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो ई डबल एस वाले जो नियम है उसमें भी दरअसल में तीन नियम कर सकते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट रूल पर चलते हैं जो थर्ड था, और इसमें हम लोगों ने बात किया कि ई डबल एस लगा करके चेंज करते हैं। इस ई डबल एस वाले में भी दो तीन नियम बना सकते हैं। पहला नियम ये बनेगा कि बिना मेन वर्ड में चेंज किए हुए, बिना मेन वर्ड में चेंज किए हुए अगर हम ई डबल एस लगा दें तो उसकी फेमिनिन जेंडर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड ले लिया हमने, गॉड भगवान को कहते हैं, तो उसका हो गया गॉडेस यानी भगवती, तो हमारा गॉड नहीं बदला, हमारा गॉड वैसे ही रह गया। ईयर, HEIR, इसमें एच साइलेंट होता है तो इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो इसका जब हमें फेमिनिन जेंडर बनाना है तो हमने कर दिया ईयरस यानी उत्तराधिकारण। जीव, यहूदियों को जीव कहते हैं तो इसका जूएस हो गया, JEWES, तो जूएस का मतलब हो गया यहूदिन। पियर, सामंतों को कहा जाता है, PEER, नाशपाती को भी पियर कहते हैं, लेकिन सामंत जो उपाधि होती थी खासकर इंग्लैंड वगैरह में इस तरह की उपाधि होती थी, तो पियर का हो गया हमारा पियरेस, है ना। बहुत सारे ले सकते हैं, शेफर्ड हो सकता है, गडेरिया का इंग्लिश होता है शेफर्ड, तो आप इसके लिए शेफर्डेस बना सकते हैं। प्रीस्ट हो गया, पुजारी को कहते हैं, तो इसके लिए आप प्रीस्टेस बना सकते हैं, पुजारन, है ना। पैट्रन हो गया, तो इसका हो जाएगा पैट्रनेस, संरक्षक, संरक्षिका। तो ये एक तरीका हुआ जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेन वर्ड को बिना चेंज किए हुए उसमें ई डबल एस लगा के वी कैन मेक इट्स फेमिनिन जेंडर। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, एंड लेट मी सी इफ देर इज अनदर गुड वर्ड दैट आई कैन गिव यू। या देर इज अनदर वर्ड कॉल्ड वाइकाउंट, VISCOUNT, अमीरों की पदवी है। अमीर किस, यहाँ अमीर का मतलब रिच नहीं हुआ, अमीर ये पदवी होता है, लोगों को कहा जाता है अमीर खुसरो जैसे हुआ करते थे। और इसको ध्यान रखें, इसको विस्काउंट नहीं पढ़ेंगे, एस इसमें प्रनंस नहीं किया जाता, इसे हम लोग वाइकाउंट कहते हैं। तो इसका भी हो गया VISCOUNTES, वाइकाउंटेस। तो इस तरह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें मेन वर्ड को चेंज किए बिना उसमें ई डबल एस लगाकर उसका फैमिनिन जेंडर बना सकते हैं। दूसरे तरीके पर आते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैस्कुलिन के लास्ट वोवेल को हटाकर और फिर हम जोड़ेंगे ई डबल एस। सिलेबल का मतलब समझिए, सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। SYLLABLE, सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश यानी शब्द का अंश, शब्द का टुकड़ा, उसे हम सिलेबल कहते हैं। जब भी किसी वर्ड को प्रनंस करने में मुंह की जितनी प्रतिक्रिया होती है उतना ही समझे कि वो वर्ड उतने अंश का वर्ड है, उतने टुकड़े का वर्ड है, उतने सिलेबल का वर्ड है। कई बार कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक सिलेबल के वर्ड होते हैं, मतलब जैसे मुंह खोलेंगे एक ही प्रक्रिया में, एक ही प्रतिक्रिया में वो वर्ड खत्म हो जाएंगे। जैसे गो, देखिए जैसे मुंह खुला वैसे ही वर्ड खत्म हो गया, गो। प्ले, एक बारी होठ सटे थे और फिर होठ खुले और वर्ड खत्म, प्ले। तो इसे हम सिंगल सिलेबल का वर्ड कहते हैं। लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स जो होते हैं जिसमें दो सिलेबल, तीन सिलेबल, चार सिलेबल भी हो सकते हैं, जैसे एक वर्ड है हमारा ब्यूटिफुल, ये तीन सिलेबल का वर्ड है, बोल के देखिए, ब्यू बोलने में मुंह आगे जाएगा, टी बोलने में फिर पीछे आएगा, और फिर फुल बोलने में आगे जाएगा, तीन सिलेबल का वर्ड है ब्यूटिफुल। तो इस तरह जो हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबल की, तो मैंने कहा कि लास्ट जो हमारा सिलेबल होगा यानी लास्ट जो टुकड़ा होगा उस टुकड़े के पहले का जो वॉवेल होगा उस वॉवेल को खत्म कर देना है, उस वॉवेल को हटा देना है और तब जाकर के ई डबल एस जोड़ना है। जैसे कि एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, तो इसमें ओ को हटा देंगे और तब हम लोग ई डबल एस जोड़ेंगे, REESS कर देंगे, वो बन गया हमारा एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री, ठीक है। और देख लेते हैं, नीग्रो, हबशी लोगों को कहते हैं, तो इनका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है नीग्रेस यानी हबशिन कह सकते हैं, जो काले अफ्रीका लोग, अफ्रीकन से होते हैं उन्हें हम नीग्रो या नीग्रेस ही कहते हैं। प्रॉफेट, पैगंबर मोहम्मद जो थे उन्हें प्रॉफेट कहा जाता था, तो प्रॉफिटेस।
प्रॉफिटस हो गया हमारा, ये एक हो गया, प्रॉफिट मेरे ख्याल से इसमें नहीं हटा इसलिए ये इस एग्जाम्पल को नहीं लेंगे। एक पोर्टर ले लेते हैं हम, पी ओ आर टी ई आर, पोर्टर का मतलब हमाल या कुली होता है, तो जब इसका पोर्ट्रेस करेंगे तो पी ओ आर टी ई टी के बाद का ई हट जाएगा और फिर सीधे सीधे पी ओ आर टी आर ई डबल एस पोर्ट्रेस कर देंगे। प्रिसेप्टर, गुरु को कहते हैं प्रिसेप्टर, पी आर ई सी ई पी टी ओ आर, ये है हमारा प्रिसेप्टर, तो इसके लिए हम पी आर ई सी ई पी टी आर ई डबल एस प्रिसेप्टरस कर देते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कि लास्ट वाला वोवेल हटा करके और देन ई डबल एस जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से भी किसी मैस्कुलिन का फेमिनिन किया जाता है। कुछ और अगर अच्छा वर्ड मुझे दिखे तो मैं आपको बताऊं, बाकी नॉर्मल है जैसे बेनिफैक्टर, उसी तरह लास्ट का वो हटा के बेनिफैक्टरेस, डायरेक्टर डायरेक्टरेस, है ना, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टरेस, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टरेस, इन सबों में लास्ट का ओ हटा के ई हटा के और तब हम ई डबल एस जोड़ रहे हैं, तो एक इस तरीके से हम लोग मैस्कुलिन का फेमिनिन कर सकते हैं। यस, एक हम लोग ऐसा भी ले रहे हैं जिसमें बिना किसी नियम के ही कई बार ई डबल एस या एस एस लगा करके मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है पहले उसको 1 मिनट के लिए जान लें कि इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि इंग्लिश इज ए बोरोड लैंग्वेज, बी ओ आर आर ओ डब्ल्यू, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो इंग्लिश इज ए बोरोड लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है उधार ली हुई भाषा है। तो किससे उधार लिया है इसने, तो इसने सभी भाषाओं से लगभग उधार ले रखा है। इंग्लिश में आपको लैटिन वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स हैं, आपके हिंदी उर्दू अरबी यहाँ तक कि संस्कृत के भी शब्द इंग्लिश में आए हुए हैं, आपको पता नहीं है लेकिन आप उसको इंग्लिश में यूज करते हैं और आपको लगता है वो इंग्लिश का ही वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जंगल, जे यू एन जी एल ई, जंगल आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं है लेकिन आप इंग्लिश में यूज करते हैं जंगल, और ये आजकल लिखाने भी लगा है, जंगल का एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड है फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट, लेकिन आजकल हम लोग जंगल यूज करते हैं। जैसे कि लूट, लूटपाट, ये जो है ये अरबिक से आया हुआ वर्ड है लेकिन हम लोग इंग्लिश में भी आजकल एल ओ ओ टी लूट लिखते हैं, तो इस तरह से इंग्लिश को हम लोग कहते हैं बोरोड लैंग्वेज। इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग ई डबल एस या एस एस लगाकर जब फेमिनिन जेंडर बनाते हैं तो उसमें कोई खास नियम कंटिन्यू नहीं करता है। जैसे एक आध दो वर्ड्स मैं आपको दूं, जैसे कि एबट, मैंने अभी बोला मठाधीश को एबट कहते हैं, महंत को एबट कहते हैं, तो इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है एबस। अब इसमें देखिए ओ टी दोनों गायब हो गया और इसको हम लोगों ने एबट से एबस बना दिया। एक दो और वर्ड देख दें, जैसे लैड, लैड का मतलब छैला होता है या लड़का कह सकते हैं, तो इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है लैस, है ना। मिस्टर, एम आर डॉट से भी लिख सकते हैं या मास्टर भी लिख सकते हैं, तो इसका होता है मिस्ट्रेस। देखिए बिल्कुल अलग से इसमें ई डबल एस लग रहा है हमारा। बहुत सारे और एक आध दो मैं आपको दे दूं, सॉर्सरर, एस ओ आर सी ई आर ई आर, सॉर्सरर मतलब जादूगर होता है, तो ये हो गया सॉर्सरेस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसमें ई डबल एस जो है अपने मन से लग जा रहा है। अगर कुछ और मुझे मिले तो मैं आपको दे दूं, यस ड्यूक, ये भी इंग्लैंड की एक पदवी है जिसका होता है डचेस। गवर्नर तो अभी मैंने आपको शायद बोला हो, गवर्नर, तो इसका हो गया गवर्नेस। एम्परर सम्राट को कहते हैं, इसका हो गया एम्प्रेस। ये सब में जो है ई डबल एस लग रहा है लेकिन थोड़ा सा अपने स्टाइल से लग रहा है, इसीलिए इसे हम नेक्स्ट नियम के तहत रख सकते हैं कि इनमें बिल्कुल चेंज करके हम लोग ई डबल एस लगा रहे हैं या इनमें नियम ही नहीं काम कर रहे हैं। तो ये हमारा सी नंबर रूल हो गया ई डबल एस वाले में से। ओके, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाले पर आ रहे हैं कि एक ऐसा भी है जो इस तरह का ही है लेकिन उसमें कोई नियम नहीं, उसमें ई डबल एस वगैरह की बात भी नहीं, बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से उसका जो है
मैस्कुलिन से फेमिनिन बनता है, तो उसको भी एक बार हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट जो नियम देख रहे हैं ये थ्री में ही डी कह सकते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक को कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब हो गया प्रशासक। तो इसका जो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रिक्स, ADMINISTRATRIX, ये है हमारा इसका फेमिनिन जेंडर एडमिनिस्ट्रिक्स, बिल्कुल नया इसका जेंडर हो गया। जैसे कि ब्राइडग्रूम मतलब आप जानते होंगे कि दूल्हा होता है, तो इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है ब्राइड। रूस के शासक को हम कहते हैं जार, CZAR, इसमें सी का प्रोनंस नहीं होता है, तो ये हो गया जरीना, CZARINA, जरीना। साइन्योर, सीनियोर कहते हैं इसको, फ्रेंच वर्ड है, तो इसका होता है सीनियोरा, महाशय महोदय, तो इसका महोदया महाशया, तो सीनियोरा। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कि मैस्कुलिन का फेमिनिन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बनता है, आप इसको देख लें और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत सारे जैसे फॉक्स ले सकते हैं, फॉक्स मतलब लोमड़ होता है, इसका हो गया विक्सेन यानी लोमड़ी। हीरो ही ले लीजिए, एक हीरो मतलब हो गया नायक, तो इसका होता है हीरोइन, HORINE। अब इसमें थोड़ा सा एक स्पेलिंग का पंगा भी समझ लें, लास्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ, इसके बाद जेंडर की मैं खत्म कर दूंगा क्लास को, कि हीरोइन भी दो तरह से लिखते हैं, एक तो ये हो गया HORINE और एक हो गया HORIE, HORIN, दोनों हीरोइन है, दोनों में का फर्क समझिए। जब ये ई लग गया तो इसका मतलब हो गया अभिनेत्री या नायिका, अभिनेत्री या नायिका को हमने कहा, लेकिन जब ये हीरोइन है लास्ट में ई नहीं लगा है तो इसका मतलब होता है मादक पदार्थ। याद रखें आपको स्पेलिंग के भी एक नंबर आते हैं, एक नंबर होता है, इसलिए स्पेलिंग पर भी आपको ध्यान देनी है, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो जेंडर में इतना ही, क्योंकि जेंडर है तो छोटा टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसे डिटेल कर दिया, डीप कर दिया। आई होप आपको ये एंजॉय किया होगा, आपने मजा आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो अगेन नॉट टू टेल यू, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दें और आगे वीडियो को एंजॉय करें। अभी और भी इस पर वीडियोज आनी हमारी बाकी है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू।